गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 को ताजा जानकारी दी है। यूजर्स के लिए विंडोज 11 को 5 अक्टूबर से जारी किया जाएगा। इसमें नया यूआई, नया माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, स्नैप लेआउट और दूसरे कई बेहतरीन फीचर्स दिए जाएंगे। इसमें एंड्रॉइड ऐप चलाने के लिए अमेज़न ऐप स्टोर भी दिया जा रहा है। अब ऐसे में विंडोज 11 आपके कंप्यूटर में चलेगा या नहीं, ये चेक करना होगा। माइक्रोसॉफ्ट ने इसके लिए सिस्टम रिक्वायरमेंट्स भी बता दिए हैं, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपके पीसी में विंडोज 11 चलेगा या नहीं। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट का सपोर्ट डॉक्यूमेंट भी रेडी है। इसे आप माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हैं। सिस्टम रिक्वायरमेंट को भी थोड़ा सा बढ़ाया गया है, लेकिन काफी ज्यादा भी इसे नहीं बढ़ाया गया है। सबसे पहले रैम की बात करें तो विंडोज 11 चलाने के लिए आपको 4GB रैम की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा पीसी में कम से कम 64GB का स्टोरेज होना चाहिए। विंडोज 11 चलाने के लिए आपके कंप्यूटर में 64-bit प्रोसेसर होना चाहिए। इसके लिए CPU भी 2 या उससे अधिक कोर वाला होना चाहिए। प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल के लिए 8th Gen या उससे नया, AMD के लिए Zen 2 या उससे नया, Qualcomm के लिए Snapdragon 850 या उससे नया प्रोसेसर होना चाहिए। 7th Gen Core X और Xeon प्रोसेसर और Core i7-7820HQ Surface Studio 2 को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। Windows 11 चलाने के लिए आपके पास सपोर्टेड प्रोसेसर के साथ TPM 2.0 होना चाहिए। इसे आप अपने कंप्यूटर में चेक कर सकते हैं या इसे BIOS यानी BIOS से एनेबल करने की कोशिश कर सकते हैं। पहली बार सेटअप के लिए माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट और इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी। अगर आपका सिस्टम रिक्वायरमेंट इतना सपोर्ट करता है तो आप आसानी से इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। UPI पेमेंट का एक पॉपुलर जरिया बन चुका है, मगर कई बार स्लो इंटरनेट या नेट कनेक्टिविटी ना रहने की वजह से UPI से पेमेंट नहीं हो पाता है। मगर हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा तरीका जिससे आप बिना इंटरनेट के भी UPI पेमेंट कर सकते हैं। ऑफलाइन पेमेंट करने के लिए चाहिए एक USSD कोड। इसे आप आसानी से फोन के डायलर से एक्सेस कर सकते हैं। ये सर्विस सभी मोबाइल यूजर्स के लिए है। इसके लिए नेट कनेक्टिविटी की भी जरूरत नहीं। बता दें कि USSD जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं वो *99# है, यानी आपको बिना नेट कनेक्शन के भी UPI पेमेंट करना है तो आपको फोन में जाकर *99# डायल करना है। इसके बाद आपके सामने एक मेन्यू ओपन हो जाएगा। इसमें आपको पैसे भेजने के लिए सेंड मनी का ऑप्शन दिखेगा। सेंड मनी का ऑप्शन #1 पर रहता है। इस वजह से आपको एक लिखकर USSD पर रिप्लाई करना होगा, यानी आपको एक लिखना है और सेंड पर क्लिक कर देना है। यहाँ फिर आपके पास कई ऑप्शंस आएंगे। इसमें किसी के मोबाइल नंबर, UPI, बैंक अकाउंट पर पैसे भेजने का ऑप्शन मिलेगा। इसमें से आप जिस ऑप्शन से भी पैसे सेंड करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लें। फिर आप सिलेक्ट किए गए ऑप्शन के हिसाब से पैसे रिसीव करने वाले को बैंक अकाउंट, UPI ID या मोबाइल नंबर दे सकते हैं। इसके बाद आपको पेमेंट को लेकर रिमार्क देना है। ट्रांजैक्शन पूरा करने के लिए आपको अपना UPI पिन देना होगा। पिन देते ही आपका ट्रांजैक्शन बिना किसी इंटरनेट के भी पूरा हो जाएगा। न्यूज़ तक ब्यूरो।